गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। तो जैसे कि आप देख रहे हो, हम लोग बाहर बैठे हैं और आज हमारा चाय यहाँ पर ही हो रहा है बाहर। और आज हम अभी मम्मी को फिलहाल जाना रहेगा और लगेज साथ में, दोनों साथ में जाएंगे, एक फैमिली फ्रेंड, तो उनके घर पे जाना है। जनेऊ है ना, जनेऊ में जा रहे हैं, तो अब वो लोग वहाँ पे जाएंगे। मम्मी को फलाहार करना है, खाना वाना नहीं खाना है उधर, कुछ रस्म करनी है। तो अभी मम्मी पापा दोनों जाएंगे और तुम शाम को जाओगे ना, ये सिर्फ खाने को जाएंगे। मैं खाना खा, ये सिर्फ खाना खाने के टाइम पर पहुँचाएंगे। मुझे भी मतलब बोल रहे थे चलने को, पर मेरे को बिल्कुल मन नहीं है तो मैं नहीं जाऊँगी। आपको पता है गाइस, इनको कंटाला आता है, कंटाला, इनको कंटाला ऐसा नहीं है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन इनको कंटाला। पापा बोल रहे हैं पीछे से, ऐसा बोल दो कि ऐसा नहीं है, मेरी वैल्यू नहीं है, मुझे नहीं जाना। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था कि अभी इनकी ज्यादा वो साठ गांठ नहीं हुई है, तो इसीलिए अभी ये ज्यादा कहीं जाती नहीं है। रुको मैं ना आपको एक दिखाती हूँ, मस्त। ये देखो, ये ना पुदीना मैंने आपको दिखाया था ना एक बार, मम्मी ने लगाया था, कुछ पत्ते बचा लिए थे, तो देखो सारे के सारे लग गए। तो मतलब अब हमको चटनी वटनी के लिए ना आराम से मिल जाएगा। हमारा एकदम अलग नाश्ता है, ये शिंगदाने का बनाया है, भीगा हुआ शिंगदाना, उसमें टमाटर और जो भी आपको ऐड करना है, जीरा मिर्ची कड़ी पत्ता। वैसे मम्मी के फास्टिंग के लिए मैंने ये बनाया, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डाला। आप चाहो तो इसमें चाट मसाला, नींबू का रस अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो। और तड़का देके ये भीगे हुए शिंगदाना और टमाटर को अच्छे से फ्राई कर लेने का। और ये देखो फ्रूट, और ये सब बॉइल जो बीट रूट और गाजर होता है वो, और ये आम की चटनी। तो आज हम लोग एकदम हेल्दी, और ये एप्पल पापा काट रहे हैं, तो देखो हम लोग एकदम हेल्दी आज नाश्ता करने वाले हैं। तो मैं अभी मम्मी पापा को छोड़ने के लिए आया हूँ, एक्चुअली मेरी चाची भी है, उनको तो पिक करना है। चाची, मम्मी और पापा को मैं छोड़ूंगा भैया के घर पे, जिनके घर पे आज, वो जैसे बता ने सुबह बताया था ना, जिनके घर पे वो आज जनेऊ है, उनके बेटे का, भैया के बेटे का जनेऊ है। तो अभी मैं मम्मी पापा और चाची को वहाँ छोड़ूंगा, और क्योंकि अभी दिन भर तो फंक्शंस हैं, तो उसमें तो हमारा रहना ज़रूरी नहीं है। तो जब वो फंक्शन कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद मैं शाम को 4-5 बजे आऊँगा, क्योंकि वहाँ पे पार्टी भी है। तो आऊँगा, खाना वाना खा के फिर मम्मी पापा को लेके और हम घर चले जाएंगे। और आप देखिए, ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं लाइट्स चेंज हो रही हैं, ये एक्चुअली मैं जो दिखा रहा था उस दिन, ये उसका रिमोट है। आप देखिए इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, कोई भी मोड आप ऑन करके लाइट जला सकते हो। तो मैंने मम्मी पापा को छोड़ दिया है, और ये हमारा मतलब जहाँ पहले पुराने, यहाँ हमारा घर है इंदिरा नगर में ही, तो इसी गली में मैं आपको दिखाता हूँ, इस गली में राइट साइड पे हमारा घर पड़ता है, वो भैया रहते हैं हमारे, तो उनका घर है और वहीं पे आज पूजा है। तो एक्चुअली अभी मम्मी पापा और चाची को मैंने यहाँ छोड़ा, और अब मैं वापस मतलब घर के लिए निकल रहा हूँ। थोड़ा आज ट्रैफिक है, क्योंकि एक्चुअली इंदिरा नगर के पास ही ना एक फ्लाईओवर बन रहा है, जो बहुत लंबा फ्लाईओवर है, वो पॉलिटेक्निक से ही चालू होता है, तो वहाँ पे ना थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन की वजह से भी वो रोड बंद है। पापा गए हैं एक फंक्शन में, और गए हैं 12 बजे, और अभी हो रहे हैं कुछ 3:30। तब से ये बंदा मुझे मालूम है क्या दिखा रहा है, 12 बजे से मेरे घर में तारक मेहता चल रहा है और सारे पुराने एपिसोड देख रहा है। ये बंदा इतना तारक मेहता प्रेमी है, तब से यही, कितना देर देखोगे ये? जो पार्टी में जाने के लिए। और पार्टी में कब जाओगे? 5 बजे, मतलब और 1 घंटा कम से, 4:30 तो हो गया, आधा घंटा और, तब से ये यही देख रहे हैं। टाइम पास भी तो अच्छा है। हाँ ये तो है, टाइम पास अच्छा है। मैंने अभी मुंह धुला है और मैं बताती हूँ क्यों। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमने फेशियल किट ऑर्डर की थी, साथ में मैंने ब्लीच ऑर्डर किया था, लेकिन जब मैंने मेरे हस्बैंड मतलब अरुण का किया था, तो उनके टाइम पे ना ब्लीच नहीं आता, तो मैंने सिर्फ उनका फेशियल कर दिया था। तो आज हमारा ब्लीच आ गया है, ये VLCC का इंस्टा ग्लो डायमंड ब्लीच है, और ये 4-2 नॉर्मली ये 4 टाइम्स के लिए, क्योंकि 10 ग्राम ईच टाइम, बट मुझे नहीं लगता 10 ग्राम मुझे लगेगा, मेरा मुझे लगता है मुझे 5-6 में मेरा हो जाएगा, तो मैं इतना ज़्यादा नहीं लगाऊंगी प्रोडक्ट।
ये देखो मैंने ना बहुत थोड़ा ही क्रीम लिया है, ये व्हाइट में ही लिया ढक्कन में, मैं बाद में उसको अच्छे से क्लीन कर दूंगी, इतना लिया है, इतने के लिए इतना है, और अगर मुझे और लगेगा तो मैं और ले लूंगी, बट मैं वेस्ट नहीं करूंगी इसलिए थोड़ा ही ले रही हूँ। और अब इसमें एक्टिवेटर डालूंगी थोड़ा सा, मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया, मेरा ये हो गया है। अब मैं जा रही हूँ इनको क्रीम वगैरह लगाने, फिर हम दिखाएंगे। मैंने जो ब्लीच लगाया था वो मैंने 15 मिनट के बाद निकाल दिया है, अब मैं इस पर क्रीम लगाऊंगी। मैंने अच्छे से सुखा लिया है फेस को, अभी मैं उसके बाद लगाऊंगी पोस्ट ब्लीच। क्रीम लगाया है और 5 मिनट के बाद ना इसको अच्छे से मसाज करके अब्जॉर्ब होने देंगे, फिर हो गया डर। हम लोग ने पोस्ट क्रीम भी लगा ली है, देखो कैसे चेहरा चमक गया है। तो अभी ना इस पर सिर्फ टैप करके छोड़ा है, 5 मिनट में अब्जॉर्ब हो जाएगा, फिर हल्का मसाज कर देंगे बस। अब ये सब मैं रख दूंगी। तो अब मैं निकल चुका हूँ, एक्चुअली मैंने आपको बताया था कि पापा मम्मी को मैं छोड़ के आ गया था वहाँ पे, और अब टाइम हो गया वहाँ पे, थोड़ा लेट हो गया, हम थोड़ा जल्दी जाने वाले थे पर देखो थोड़ा लेट हो गया। तो अब बस हम लोग निकल रहे हैं क्योंकि अब हमें जाना है, और खाना ना खा के फिर मम्मी पापा को लेके मैं वापस आऊँगा। और अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये ऐसे आगे पीछे चारों तरफ ऐसे ही है, लाइट चेंज होती रहती है, बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब ऐसा कोई बहुत एक्स्ट्रा नहीं है लेकिन हाँ अच्छा है, थोड़ा लाइट जल रही है तो बस फील हो रहा है कि हाँ कुछ है, तो थोड़ा सा एम्बियंस दे रहा है आगे पीछे चारों तरफ, तो विच इज़ अ गुड थिंग। तो अब बस अब मैं निकल चुका हूँ और मैं जा रहा हूँ, तो वहाँ जाके मैं देखता हूँ अगर कुछ शूट वूट करता हूँ तो आपको दिखाता हूँ, वरना आपको तो पता ही है कि मैं ऐसे हर जगह करता नहीं हूँ जहाँ पे ज़्यादा भीड़ हो या ज़्यादा लोगों को कंफर्टेबल फील ना हो, पर हाँ कोशिश करूँगा जो भी थोड़ा बहुत मैं शूट कर पाऊँ वो जरूर करके आपको दिखाऊंगा। तो मैं आधे रास्ते में, और आप देखिए हम, ये एक्चुअली फैजाबाद रोड है जो मतलब अब तो ये अयोध्या रोड हो गया, एक्चुअली लखनऊ से अयोध्या जाता है, और ये रोड हमेशा ऐसे ही चमकता है। और एक दूसरा रीज़न इस रोड के चमकने का है ना कि आगे हाईकोर्ट है, तो बेसिकली जब से हाईकोर्ट बना तब से इस रोड को हमेशा आप देखो ऐसे ही चमकता रहता है, ऐसी सारी लाइट्स रोज रात में जलती हैं और बहुत सुंदर लगता है ये रोड। और ये रोड ना आगे क्योंकि शहीद पथ भी जाता है तो शहीद पथ भी ऐसे ही, तो बेसिकली लखनऊ के अंदर के रोड्स की तो अब नो डाउट बहुत अच्छी सजावट हो गई है। और जब भी मैं ऐसी लाइट्स देखता हूँ ना तो मुझे बार बार 12 फरवरी याद आता है, जब मैं शादी के लिए मुंबई जा रहा था बबीता से, तो उस टाइम भी क्योंकि G20 सम्मेलन था तो पूरा रोड इससे ज्यादा जगमगाया हुआ था, ऐसा लग रहा था जैसे पूरा लखनऊ हमारी शादी की तैयारियों और डेकोरेशन में लग गया है, तो बहुत अच्छा था। और अभी मैं पॉलिटेक्निक पहुंच रहा हूँ, मैं मतलब पॉलिटेक्निक नीचे मतलब नहीं जाऊँगा, पॉलिटेक्निक के ऊपर फ्लाईओवर बना हुआ है तो मैं फ्लाईओवर से निकल जाऊँगा क्योंकि मैं इंदिरा नगर जाना है आज, मैंने सुबह जहाँ आपको दिखाया था जहाँ मैंने मम्मी पापा को छोड़ा था, तो अब मैं वहाँ जाऊँगा और थोड़ा रोड का फील लीजिए। और रात में थोड़ा ट्रैफिक है तो थोड़ा ट्रैफिक तो इस समय होगा ही बिकॉज ऑफिस टाइम भी ख़त्म हो रहा होगा और सब अपने अपने घर जा रहे हैं, और इस टाइम पे थोड़ा इधर ट्रैफिक होता भी है, तो मैं अब गाड़ी चलाता हूँ और मिलते हैं आपसे सीधे पार्टी वेन्यू पे। तो फाइनली हम घर पे आ गए, खाना वाना खा के, वहाँ मैंने शूट नहीं किया क्योंकि मैंने आपको बताया बहुत भीड़ थी एक्चुअली वहाँ पे, मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स और बहुत सारे फ्रेंड्स आए हुए थे तो मौका ही नहीं मिला। हाँ लेकिन एक चीज़ मैं बताऊँगा कि आप सभी का बहुत थैंक्स जो आपने हमें बताया कि आप हमारे ब्लॉग्स देखते हैं, तो डेफिनेटली अच्छा लगा मुझे जान के। और हम ये नहीं गई थी तो मैं, भैया इतने अच्छे हैं कि इसके लिए प्रॉपर पूरा खाना वाना पैक करके उन्होंने दे दिया था कि नहीं गई है तो कोई बात नहीं, लेकिन पार्टी का पूरा खाना इसके लिए पैक करके घर पर आ गया था, तो उसने भी खाना वाना खा लिया है, तो कुछ फीडबैक, बहुत अच्छा खाना था, तो वैसे बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया, बहुत शानदार व्यवस्था। तो कभी मौका मिलेगा भैया से मैं मिला तो ज़रूर मैं आपको अपने ब्लॉग में उनको इंट्रोड्यूस कराऊंगा, वैसे तो वो आते नहीं है लेकिन हाँ अगर मौका मिला तो मैं ज़रूर उनको ब्लॉग में इंट्रोड्यूस कराऊंगा। और बस अब हम घर पर आ चुके हैं, अब अपना घर में घर लगाएंगे हम, हो गए तो मच्छर शुरू हो चुके हैं, इसलिए घर में घर बनाने की ज़रूरत है, तो बस घर में घर बनाएंगे और
उसके बाद आज का व्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ आपको हमारे व्लॉग अच्छे लग रहे होंगे, और अच्छे लग रहे होंगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों से हमारे चैनल को शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय श्री राम।